भटार उमा भवन खाते लक्ष्मीना सेवा समिति द्वारा भोजन माटेनुं रसोडुं कार्यरत छे त्यारे आ केमनी मुलाकात माटे आज रोज अटल आश्रमना महाराज तथा अग्रवाल समाजना अग्रणीओ आव्या हता। मानवी भूख्यो उठे छे परंतु भूख्यो सूतो नथी। आ धरती पर अनेक दानवीरोने पगले आ परंपरा चाली रही छे। लॉकडाउनना समयमां लोकोने मददरूप थवा भटार उमा भवन खाते लक्ष्मीना सेवा समिति द्वारा प्रतिदिन आश्रे 30,000 થી વધુ લોકોને ભોજન વિતરણ કરવાની સેવા કરવામાં આવી રહી છે। આ કામમાં નાના મોટા અનેક લોકો પોતપોતાની રીતે સેવા આપી રહ્યા છે। ત્યારે ભોજન માટેના રસોડાની મુલાકાત અટલ આશ્રમના બટુક ગિરીજી મહારાજ આવ્યા હતા, તેમજ સમાજના આગેવાનો રાજેશ કંસલ, અરુણ પાટોડિયા, કૈલાશ હકીમ, કૈલાશ અગ્રવાલ, સુશીલ બજાજ જેવા મહાનુભાવો રસોડાની મુલાકાત કરી કામગીરીને બિરદાવી હતી। उमा भवन के अंदर आज मैं अटल आश्रम से मुलाकात पर आया। महेश जी और यहाँ के जो कर्मचारी लोग, संस्था के सेवाभावी लोगों ने मुझे बताया कि महाराज जी आप आज अक्षय तृतीय और अन्य कारण से आज मुझे भी बड़ा, आज मैंने देखा तो कम से कम एक घंटे के अंदर 1,000 रोटी निकलती है ऐसे ऐसे मशीनों के द्वारा। जहाँ पूरा भारत के अंदर कोरोना वायरस एक दूसरे को स्पर्श करने से लगता है और मैं बड़ी खुश हुआ कि किसी का हाथ भी न लगे और इसी तरह से रोटी तैयार होए। और ये जो लक्ष्मी नाथ नारायण सेवा समिति कम से कम 30 साल से ये सेवा कार्य कर रही है और हर संडे के दिन सिविल के अंदर भी ये लोगों की एक अच्छी सेवा होती है। और मैं कामना करता हूँ आज कम से कम भारत वर्ष के अंदर ऐसी मशीनरी और इतना बड़ी सेवा, कम से कम डेली 30,000 आदमी की भोजन की व्यवस्था करते हैं, बहुत मुश्किल है मित्रों। आज एक आदमी को रोटी खिलाना मुश्किल है और इस कारण से आज ये लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि मैं मुलाकात पर आया तो मुझे ऐसा हुआ कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना देखा जाए तो यहाँ अपने को देखने को मिलती है। मैं इन लोगों को सबकी क्या प्रशंसा करूँ किस मुँह से, लेकिन ये करना चाहिए क्योंकि आज कोरोना वायरस पूरा भारतवर्ष के अंदर एक दूसरे को लगने से है। तो इन कारण से आज मिशनरी से पूरी रसोई, जैसे सब्जी से दाल से लेकर सब कुछ, तो ऐसी तरह से पैकिंग करके ये देते हैं और ना किसी का स्पर्श हो लगे, हाथ में लगे। और कोरोना पेशेंट जितने भी सूरत के अंदर है, सिविल के अंदर 250 से 300 पैकेट जो हाल में पैकेट करके देंगे, मुझे भी वो लोग पैकेट भी दिखाएंगे। मित्रों बहुत खुशी की बात है, आज एक आदमी का काम 500 आदमी एकत्रित होता है तो 1,000 हाथ होता है, 1,000 हाथ होता है तो ईश्वर की शक्ति मानी जाती है। तो इसी तरह से आज परमात्मा की शक्ति है और यही शक्ति अपने को प्रत्यक्ष दिख रही है कि आज इतनी मेहनत करके आज लोग जो बना रहे और घर तक पहुंचाना, अपना एक परिवार है इसी तरह से। और मित्रों पूरा भारत में लॉकडाउन चल रहा है, भले आपको छूटछाट कुछ मिली लेकिन फिर भी अपने हिसाब से रहना और थोड़ा दूर से एक दूसरे से बात करना, इसी तरह से पैकेट करते हैं और थाली भी सुंदर जैसे पैकिंग करके देते हैं और इसमें दाल सब्जी रोटी सब आता है। मित्रों खूब खूब इसको अभिनंदन। नर सेवा नारायण सेवा के इस कोरोना जो आपदा इस गुजरात में और पूरे विश्व में आई है, इसमें लक्ष्मीनाथ सेवा समिति फतेहपुर शेखा वाटी के सभी महानुभावों द्वारा सूरत शहर में समिति बनाई गई है। पिछले 30 वर्षों से समिति बहुत ही सुंदर कार्य सूरत शहर में कर रही है। आज इस आपदा के टाइम में जो 1,000 पैकेट से एक महीने पहले इन्होंने जो कार्य चालू किया, आज 35,000 पैकेट पर दिन जरूरतमंदों के लिए समिति, राम रोटी सेवा संघ के कार्यकर्ता और लक्ष्मीनाथ सेवा समिति के सहयोग से ये जो कार्य सूरत शहर की धरती पे हो रहा है, ये मैं कहूँगा न भूतों न भविष्यति, ये जो कार्य हो रहा है। फिर सबसे बड़ी बात है कोरोना के जो पॉजिटिव पेशेंट है, इन समिति को इतना भगवान का, लक्ष्मीनाथ बाबा का आशीर्वाद मिला है कि उनकी सेवा करने का मौका भी लक्ष्मीनाथ सेवा समिति को मिला है। मैं सज्जन महर्षि समिति के सभी महानुभावों का और सभी राम रोटी सेवा संघ के महानुभावों का खूब खूब अभिनंदन देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। नर सेवा नारायण सेवा के इस योगदान में बहुत ही सुंदर सराहनीय सेवा, जितनी इनकी प्रशंसा करूँ उतनी कम है। मेरा नाम कैलाश हकीम है, मैं राजस्थान झुंझुनू से बिलोंग करता हूँ और यहाँ सूरत में मेरा कपड़े का व्यवसाय है। श्री लक्ष्मीनाथ सेवा समिति किसी परिचय की मोहताज नहीं है। सूरत का आज बच्चे बच्चे की जबान पे इसकी सेवा का काम है।
30,000 लोगों तक ये खाना पहुंचा रहे हैं और इनका लक्ष्य और भगवान ठाकुर जी जहां तक लेके जाएंगे पता नहीं है, लेकिन यहां है ठाकुर जी के यहां भूखा कोई सोता नहीं है। देखो ये दानवीर कर्ण की धरती है, ये तापी नगरी है, डायमंड नगरी है, सिल्क सिटी है, यहाँ पे ये तापी मैया का ही वरदान है। इस धरती पे हर आदमी यहाँ आके दानवीर कर्ण जैसी उसके मन में उसकी वो फीलिंग्स आ जाती है, तो यहाँ के लोग सेवाभावी हैं ही।